Hello, all of you, my dear students. Today I am discuss to all of you on the topic of trigonometry. आज हम लोग trigonometry एक topic पर बात करेंगे. हमारे calculation में mostly use होता है sin, cos, tan, cot, secant, cosec. But कुछ angle इस तरह के आते हैं जिनकी value हमें किसी questions के बीच में जरूरत पड़ जाती है, बट उनको हमें लर्न नहीं होता है, डिफाइन नहीं कर पाते. कभी पर्टिकुलर ही पूछ दिया जाता है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री और टेन 18 डिग्री. तो देखो आज हम आपको इस टेक्निक की ओर लिए जा रहे हैं. किसी एक की वैल्यू आपको रेडी हो तो सारी वैल्यू कैसे बड़े वेरी वेरी फास्ट वे में कैसे रेडी कर पाएंगे देखते हैं. पहले किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं. हाउ कैन यू फाइंड how can you find कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, टी आर 18 डिग्री. मेरे साथ थोड़ा सा समझिएगा. टी आर मीन्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मीन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेक, कुछ भी इस प्लेस पर हो सकता है. तो हाउ कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ टी आर 18 डिग्री. टी आर मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. आइए चलो देखते हैं कैसे फास्ट टू फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं. ध्यान देना इधर. सोल्यूशन सॉल्व करने का ट्राई कर कीजिएगा मेरे साथ. सोल्यूशन नाउ वी कंसीडर थीटा इक्वल ऑफ लेट थीटा इक्वल 18 डिग्री. मैंने क्या एज्यूम किया है? थीटा इक्वल 18 डिग्री. बिकॉज क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हमें 18 डिग्री की वैल्यू डिफाइन करनी है. सो थीटा इक्वल 18 डिग्री. नाउ मल्टीपल ऑन बोथ साइड 5. सो दिस 5 थीटा इक्वल ऑफ 5 इंटू 18 डिग्री ऑल्सो इक्वल ऑफ 90 डिग्री. क्लियर? नाउ ब्रेक दिस 5 थीटा इन फॉर्म ऑफ 3 थीटा प्लस ऑफ 2 थीटा ऑल्सो 90 डिग्री. मीन्स 5 थीटा को मैं लिख सकता हूं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल 90 के फॉर्म में. नाउ टेक इन 3 थीटा इन आर एच एस. सो 2 थीटा इक्वल 90 माइनस 3 थीटा. इस पर देखिएगा, ये आपके पास एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है. 2 थीटा इक्वल 90 माइनस 3 थीटा. इसे आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं. इस पॉइंट से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. मैंने यहां पर क्या लिखा? नाउ टेकन बोथ साइड साइन. मैंने क्या बोला? दोनों साइड का मैं क्या ले रहा हूं? बोलो साइन. दोनों साइड का मैंने साइन लिया तो क्या हो जाएगा? दिस इज साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा इक्वल ऑफ साइन 90 माइनस 3 थीटा. बट ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल ऑफ रिप्लेस फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल ऑफ साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल ऑफ कॉस थीटा. सो साइन 90 माइनस 3 थीटा इक्वल ऑफ कॉस 3 थीटा. बट यू नो ऑल्सो वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा. 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ऑल्सो ब्रेक कॉस 3 थीटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला कॉस 3 थीटा. 4 कॉस क्यूब थीटा. 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 ऑफ कॉस थीटा. देखो हमने कैसे ब्रेक किया. कॉस 3 थीटा का राइट साइड फार्मूला अप्लाई किया, लेफ्ट साइड साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया. देखिए दोनों साइड. नाउ डिवाइड ऑन बोथ साइड. मैं क्या कर रहा हूं? नाउ डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय कॉस थीटा. सो दिस कॉस थीटा एंड 1 पावर फ्रॉम दिस एंड दिस कॉस थीटा कैंसिल आउट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस 2 साइन थीटा इक्वल ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3. देखो आपके पास इस तरह एक क्वाड्रेटिक पैटर्न का एक्सप्रेशन बच के आ रहा है. अब आप इसे सॉल्व करेंगे. देखो इधर पर मैं सॉल्व कर रहा हूं. दिस 2 साइन थीटा
एज इट इज cos स्क्वायर थीटा, बट वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इक्वल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो इक्वल 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3. नाउ दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट इन सिंपल फॉर्म, मीन्स इसे आप सॉल्व करें, सिंपल फॉर्म में ब्रेक करें, दिस माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखे टेकन इन LHS, सो 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस प्लस 2 साइन ऑफ थीटा, दिस 4 इंटू 1 प्लस 4, दिस माइनस 3 मीन्स प्लस 1 RHS में रह जाएगा आपके पास. इसको लेफ्ट साइड आप लाएंगे तो क्या आ गया माइनस 1. इस इक्वेशन के पैटर्न को आप देखिएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. देखो ये कैस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आप जानते हैं, सो अप्लाई श्रीधराचार्य फार्मूला. इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल माइनस बी एट द प्लेस ऑफ बी 2 माइनस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4, दिस माइनस 4 ए मीन्स 4 एंड सी मीन्स माइनस 1 इंटू ऑफ माइनस 1 अपॉन 2a, 2 इंटू ए 2 इंटू 4. क्लियर? इसे आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो साइन थीटा इक्वल ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस, इसके रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को देखें कैसे सॉल्व करेंगे, दिस माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 इक्वल ऑफ 20 मीन 16 प्लस 4 इक्वल 20 होता है. 20 में 4 इंटू 5 भी 20 आल्सो कैन बी राइट 4 इंटू 5, सो टेक इन आउट ऑफ रूट 4 एच 2, सो टेक इन दिस स्टेप 2 रूट 5 अपॉन 4 टू जा 8 आर 2 इंटू 4. नाउ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 2, सो दिस 2 एंड 2 कैंसिल आउट, देयरफॉर ऑब्टेन साइन थीटा इक्वल ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4. क्लियर? अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, दिस नो 1 2 कैंसिल आउट होगा, क्या रहेगा यहां पर 1, बट थीटा इक्वल 18 डिग्री बिलो टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, देयरफॉर इट्स नेगेटिव साइन निगलेक्ट, हेंस साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई साइन थीटा इक्वल ऑफ रूट 5 माइनस साइन निगलेक्ट कर देंगे माइनस 1 बाय 4 बी दी रिक्वायर्ड, बट टेकन एट इनिशियल पोजिशन थीटा इक्वल, आपने शुरुआती अवस्था में क्या लिया था थीटा इक्वल 18 डिग्री, सो रिप्लेस वैल्यू ऑफ थीटा, देयरफॉर साइन 18 डिग्री इक्वल ऑफ, इसे आप बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे, साइन 18 डिग्री इक्वल ऑफ रूट 5 माइनस 1 बाय 4. अब ये फार्मूले आपको रट करके रखने हैं, लर्न कर लेना है, आपके बहुत अच्छे वक्त पर काम आएंगे. आप देखें अदर वैल्यू इसके करेस्पॉन्डिंग आप कैसे फास्ट टू फास्ट डिफाइन कर सकते हैं, सो अप्लाई ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड की हेल्प लेते हैं. नाउ वी कंसीडर दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक आप ट्रायंगल बना लेंगे, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, देखो इधर बना रहा हूं, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस एंगल 18 डिग्री कंसीडर, बट वी नो दैट साइन थीटा इक्वल आप क्या जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो दिस एंगल 90 डिग्री. कभी भी एक एंगल की वैल्यू रेडी हो, आप ट्रायंगल मेथड से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के उस एंगल पर वैल्यू बहुत सिंपल वे में डिफाइन कर लेंगे. देखो मेरे साथ काम कीजिएगा, दिस परपेंडिकुलर करेस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल दिस हाइपोटेनियस, सो पी अपॉन एच, सो दिस रूट 5 माइनस 1 बाय 4 एंड रूट 5 माइनस 1 बी दी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस ऑफ दिस 4. आप इसे सॉल्व कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो आप देखें आपको इधर क्या मिल जाएगा, बेस जिसको आप बोलेंगे दिस हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस दिस रूट 10 प्लस 2 रूट 5, बेस क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5.
अब इसमें मैं इंडिकेट किए जा रहा हूं, दिस इज हाइपोटेनियस मींस कर्ण है, दिस इज परपेंडिकुलर मींस लंब है, दिस इज बेस मींस आधार है। अब आप सारे फॉर्मूले थोड़ा सा आपको रेडी रखना है। सो कॉस थीटा इक्वल कॉस 18 डिग्री, देयरफॉर कॉस 18, अदर टेक्निक से मत रेडी कीजिएगा, बहुत टाइम जाएगा। कॉस थीटा इक्वल फार्मूला आपने पढ़ा क्या है, बेस अपान हाइपोटेनियस, सो दिस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाई हाइपोटेनियस मींस 4। इस वैल्यू को भी आप रेडी रखेंगे, क्या फार्मूला होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस मींस आधार बटे कर्ण। अदर फॉर्म को देखते हैं, दिस टेन की वैल्यू डिफाइन करना है, सो टेन 18 डिग्री इक्वल ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस रूट 5 माइनस 1 अपॉन दिस बेस रूट 10 प्लस 2 रूट 5, दिस इज वैल्यू ऑफ टेन 18 डिग्री। किसके अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल मेथड से देखें फार्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। अदर वैल्यू साइन कॉस टेन, कॉट थीटा इक्वल कॉट 18 की इंडिकेशन रिक्वायरमेंट आ जाए, सारी वैल्यू फ्यूचर के लिए आपको लर्न करके रखेंगे। कॉस 18 डिग्री इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन ऑफ दिस रूट 5 माइनस 1। किस कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया, बी अपॉन पी, सिमिलर टेकन वैल्यू ऑफ सेक 18 डिग्री, कॉस का इनवर्स कर देंगे, सेक 18 डिग्री कॉस दिस, दिस बाय दिस मींस 4 है, इधर इधर देखें सेक 18 डिग्री सिमिलर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग जानते होंगे कॉस की इनवर्स होती है, सो दिस 4 अपॉन दिस रूट 10 प्लस 2 रूट 5 आल्सो वैल्यू ऑफ, सो डिफाइन सिक थीटा इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन बेस का फॉर्म यूज किया जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, आल्सो कॉसेक 18 डिग्री, कॉसेक 18 डिग्री इज इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1, बिकॉज सो कॉसेक थीटा इक्वल साइन थी 1 अपॉन साइन थीटा, डिफाइन कर सकते हैं। तो सारी वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 बाई 4, आज के बाद लर्न करके रेडी करके रखें आप, कॉस 18 डिग्री रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4, आल्सो टेन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 10 प्लस 2 रूट 5, आल्सो कॉट 18 डिग्री इनवर्स वैल्यू ऑफ द 10, सो दिस बाई दिस सिमिलर सेक 18 डिग्री 4 अपॉन रूट 10 प्लस 2 रूट 5, कॉसेक 18 डिग्री 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1। देखो है ना आपके लिए जादुई मेथड, आप क्या करेंगे, इन वैल्यू को आप रेडी रखें, इंदी केस इन साइन कॉस टेन कॉट से कॉस में किसी एक 18 डिग्री की वैल्यू आपके रिक्वायर जरूरत के टाइम रिक्वायरमेंट पर एक वैल्यू आ जाती है, अदर वैल्यू रेडी नहीं है तो आप इस ट्रायंगल टेक्निक का यूज करेंगे। फार्मूले आपको HPB वाले आप याद रखिएगा, ट्रायंगल मेंटेन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो हाँ चलो बच्चों, आज के दिन सिर्फ इस एपिसोड में सिर्फ 18 डिग्री पर डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट डे मींस कल की डेट में फिर से आपके सामने आते हैं, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे थीटा ऑन 36 डिग्री मींस वैल्यू ऑफ TR 36 डिग्री, फिर से एक बार इस बात को रिवाइज कर लीजिएगा, थीटा इक्वल 18 डिग्री कैसे डिफाइन किया हुआ है, थीटा इक्वल 18 डिग्री जिसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है उसे थीटा इक्वल एज्यूम कर लेंगे, फिर इस टाइप का नंबर आप सर्च करेंगे जिसका दोनों साइड मल्टीपल करने पर एक साइड का एंगल न्यूमेरिकली एंगल आपका स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक हो जाए, मैंने 5 से मल्टीपल किया 18 5 या 90, दिस इज स्टैंडर्ड एंगल जिसकी वैल्यू आप पहले से जानते हैं, सो दिस 5 थीटा इक्वल ऑफ 90 डिग्री, फिर इस 5 थीटा को आप ब्रेक करेंगे उस बेस में जिसके फार्मूले आपको रेडी है, 3 थीटा 2 थीटा के फार्मूले रेडी रहते हैं, तो हमने इसे 3 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक किया, इसका एक पार्ट राइट साइड आप ले जाएंगे, सो देखो 2 थीटा इक्वल 90 माइनस 3 थीटा आ गया, दोनों साइड आप साइन कॉस कुछ भी ले सकते हैं, मैंने दोनों साइड का साइन ले लिया, नाउ टेकन बोथ साइड साइन, देयरफॉर साइन 2 थीटा इक्वल साइन 90 माइनस 3 थीटा, नाउ साइन 90 माइनस 3 थीटा ब्रेक कॉस 3 थीटा, इधर कॉस 3 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया, इधर साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद इसको सिंपल बनाते चले गए, एक स्टेप आएगा आपके सामने
जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मिलेगा। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दिया, तो आपको साइन थीटा वैल्यू मीन साइन 18 की वैल्यू डिफाइन होकर सामने आ जाएगी। फिर अदर वैल्यू के लिए आपको इधर का कोई वर्क नहीं करना है, आप सिर्फ ट्रेंगल आप बना लेंगे, साइन थीटा इक्वल ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो डिफाइन इट्स बेस। दो साइड हमें मालूम है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसका बेस डिफाइन कर लिया, अदर सारे टी आर आपने डिफाइन कर लिए। कॉस थीटा इक्वल बी अपॉन एच, फार्मूला आपको रेडी है। टेन थीटा इक्वल पी अपॉन बी डिफाइन कर लिया। ऑल्सो डिफाइन सिमिलर अदर ऑल टी आर, सभी टी आर के 10 डिग्री पर वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। चलो फिर आज का एपिसोड यहीं पर ब्लॉक करते हैं।